तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आपका YouTube चैनल हैक हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। आपकी छोटी सी गलती से आपका YouTube चैनल हैक हो सकता है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। और मेरे पास भी एक प्रमोशन मैसेज आया था, मैं आपको पूरी आगे वीडियो में डिटेल्स बताऊंगा। तो वीडियो को देखते रहिए, इस पर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी यूट्यूब चैनल हैक होते हैं, ज़्यादातर केस में ये होता है कि उनको कोई प्रमोशन के लिए मैसेज मिला रहता है और लिंक मिला रहता है। उस लिंक पर वो क्लिक करके प्रमोशन के लिए वहाँ पर क्लिक करके वहाँ पर साइनअप करते हैं, लॉगिन करते हैं। उसके कुछ देर बाद ही उनका यूट्यूब चैनल हैक हो जाता है। मेरे पास भी एक ऐसा मेल आया था प्रमोशन के लिए, मैं आपको पूरी डिटेल्स आगे वीडियो में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि आप उससे कैसे बच सकते हैं, अगर आपने लॉगिन भी कर दिया है गलती से तो आप उससे कैसे बच सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो वीडियो को देखते रहिए और इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे कैसा मेल आया था या कैसे मैसेज आया था प्रमोशन के लिए। ऐसा ही ज़्यादातर मैसेज आता है, खासकर उनके पास जो नए यूट्यूबर्स हैं अभी, जो जिनका चैनल जो है अभी अभी ग्रो हुआ है या मोनेटाइज हुआ है, उनके पास ज़्यादातर मैसेज ऐसे ही आते हैं। और उसमें से अगर आपने किसी पे लॉगिन कर दिया है, मतलब बिना जाने पहचाने वहाँ पे जाके लॉगिन कर दिया प्रमोशन के चक्कर में, तो आपका यूट्यूब चैनल कन्फर्म हैक हो जाएगा। जो भी आप प्रमोशन करें जिस कंपनी में, उसके बारे में सबसे पहले वहाँ पे रिसर्च करें गूगल पर जाके कि कैसी कंपनी है, मतलब सही में है ऐसी कोई कंपनी इस नाम की या नहीं है। तो आप प्रमोशन करने से पहले उसके बारे में जरूर जाने, तभी आप प्रमोशन करें वहाँ पर जाकर साइन अप करें। तो भी दूसरे आईडी चैनल की आईडी से आप कहीं भी लॉगिन ना करें, तो आप दूसरे आईडी से अगर आपको प्रमोशन करना भी है तो दूसरे एक ईमेल आईडी बनाएं, उसके लिए आप वहाँ पे लॉगिन करें। तो मेरे पास जो मैसेज आया था प्रमोशन के लिए वो था, आपको मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ऐसा प्रमोशन का मैसेज था और वहाँ पे मुझे एक लिंक मिला था। जब मैंने उस लिंक पर क्लिक करके चेक किया, जब तक आप लॉगिन नहीं करें हैक नहीं होता है। जब आप वहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं, साइनअप कर लेते हैं, तभी जो हैक होने का चांस होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन मैंने वहाँ पर लॉगिन नहीं किया था, बस मैंने वहाँ पर जाकर चेक किया था और वो जो वेबसाइट थी बिल्कुल सेम वॉलमार्ट की तरह थी, जो कि अभी कुछ दिनों पहले जो है फ्रॉड हुआ है, बहुत सारा लोगों का पैसा जो है फंस गया है और अभी तो वॉलमार्ट कंपनी भाग भी गई है, वो बिल्कुल डुप्लीकेट वेबसाइट थी। तो यार देखो, ऐसे ही आपको प्रमोशन के लिए मैसेज आते हैं कि जो भी यूट्यूबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ऐसे ही आपको प्रमोशन के लिए मैसेज आ सकता है आप ईमेल पे, जो भी आपने अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में डाला। कहीं किसी को भी उनसे बात करनी हो प्रमोशन के लिए यूट्यूबर्स से, तो वो डायरेक्ट उस ईमेल पे मैसेज करते हैं, तो आपको ऐसा मैसेज आ सकता है। हो सकता है आपके इंस्टाग्राम पे आ सकता है, आपके ट्विटर पे आ सकता है, जो भी आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक डाल रखे हो अपने वीडियो में या चैनल के अबाउट सेक्शन में, वहाँ पर आपको कहीं भी मैसेज आ सकता है। मेरे तो तीनों बार था, इंस्टाग्राम, ईमेल और यहाँ पे मोबाइल नंबर पर भी आ गया था व्हाट्सअप पे। तो उस भाई ने मेरा व्हाट्सअप नंबर भी निकाल लिया था, तो मैंने उनसे पूछा था कि आपको व्हाट्सअप नंबर कहाँ से मिला, तो उन्होंने बताया फेसबुक से। तो मैंने अभी फेसबुक से जो है अपना व्हाट्सअप नंबर हटा दिया है। अगर आपको मैसेज आता है प्रमोशन के लिए, तो आप उनसे बातचीत करें, तो आप उनसे सबसे पहले पूछे कि जो मतलब आपका ऐप है वो कैसा है, मतलब अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए, कैसा आपका मतलब ऐप है या वेबसाइट है, कैसा काम करता है और क्या होता है इस पर। जिसका भी वो प्रमोशन करवाना चाहते हैं ऐप का, वेबसाइट का, जिसका भी प्रमोशन करवाना चाहते हैं, उसके बाद से खुद भी उस पर रिसर्च करें कि क्या सच में ऐसा वेबसाइट है, ऐप है, इस नाम का वेबसाइट है या नहीं, या कैसा है। आपको यहाँ पर गूगल पर सारी जानकारी, अगर वो रियल वेबसाइट होगी या ऐप होगा, तो उसके बारे में गूगल प्ले स्टोर पर या गूगल पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और आप चाहे तो यूट्यूब पर और भी वीडियोज़ देख सकते हैं। उसके बाद से आप वीडियो बनाएं, ताकि जो भी वीडियो आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें, जो भी आपके व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो देखें वीडियो को और लाइक करें। अगर उन्हें अच्छा लगा प्रमोशन वाले वीडियोस भी, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी वीडियो करेंगे, जिससे आपका चैनल और भी ग्रो होगा और आपको और भी बहुत सारे प्रमोशन मिलेंगे। तो जो भी आप प्रमोशन करें वो बिल्कुल जेनुअन ऐप या वेबसाइट के बारे में करें, ताकि जो आपका चैनल है और भी ग्रो हो और आपको, ताकि आगे आपको और भी बहुत सारे प्रमोशन के ऑफर मिलते रहें। तो जब तक आप किसी भी ऐप या वेबसाइट में लॉगिन नहीं करेंगे, तब तक आपका जो चैनल है वो हैक नहीं होगा। अगर आपने गलती से लॉगिन कर दिया है और आपको उसके बारे में पता नहीं था, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको सबसे पहले जाना है अपना यूट्यूब चैनल चेक करना है। अगर वो हैक नहीं हुआ है, वैसे तो बहुत जल्दी हैकर्स जो है वो हैक कर लेते हैं आपके यूट्यूब चैनल को, अगर आपका चैनल बहुत बड़ा है या मोनेटाइजेशन ऑन है, तो आपका चैनल को जल्दी हैक कर लेते हैं। अगर वो बचा है तो बिल्कुल आपको कुछ करना नहीं, जल्दी से जाना है गूगल में और अपने पासवर्ड को दोबारा से चेंज कर लेना है और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, जिससे कि हैकर आपका जो यूट्यूब अकाउंट है वो हैक ना कर सके। क्योंकि हैकर तभी आपके यूट्यूब चैनल को हैक कर पाते हैं जब उनके पास आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड होता है। जैसे ही आप पासवर्ड को चेंज कर देंगे, जो आपका पुराना ईमेल आईडी है वो और पासवर्ड है वो एंटर करेगा, तो वहाँ पे साइन अप नहीं होगा, लॉगिन नहीं होगा और वो आपका यूट्यूब चैनल को हैक नहीं कर पाएगा। ऐसे आपका यूट्यूब चैनल हैक होने से बच सकता है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, ऐसा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपका कोई टॉपिक है जिस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं उस टॉपिक का नेम। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, हैव अ नाइस डे, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।